यार देखो ऐसा पुल दिखेगा और इस पुल से आगे थोड़ा सा यहाँ पे पुल एंड होता है और यहीं पर से इसके लेफ्ट में एक रास्ता जाता है जो कि आप वो देख रहे होंगे, वो रास्ता जाता है इस रास्ते से। हाँ तो कैसे हो आप लोग? आप सभी को बड़ों को पहला और छोटों को बहुत सारा आशीर्वाद। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग भी उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। इस सर्दी में अपना ध्यान रख रहे होंगे और मैं पूरी तरीके से मैं भी बैक हो चुका हूँ। चलो यार शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और चलते हैं किसी नए सफ़र पर। देखते हैं आज का ब्लॉग कहाँ का आता है, क्या आता है। तो मिलते हैं आगे इसी सफ़र में, तब तक इंजॉय करिए कुछ पल। हाँ तो यार अपन, मैं पहुंच चुका हूँ अभी थाना रोड में। जो ब्रिज है यहाँ पे, बहुत सारे ब्रिज हैं, मतलब ये कुछ फेमस ब्रिज है, यहाँ पे फोटोशूट वगैरह होता रहता है। तो फिलहाल अभी मैं वहाँ पहुंच चुका हूँ, आधा रास्ता लगभग कवर, आधा नहीं मतलब थोड़ा सा रास्ता कवर कर लिया है और आगे चलते हैं। आज चलना हो रहा है फिर से ऋषिकेश की तरफ। और ये लोकेशन ये भी बहुत बढ़िया है, मतलब आते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर भी फोटोशूट वगैरह के लिए आते। तो जिसको घूमने का शौक है, रोड खाली रहती है इतनी भी नहीं, बट ठीक है ट्रैफिक कम रहता है तो आ सकते हो। ट्रैफिक ठीक है और प्लस मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आसपास में लोकेशन, मतलब दिखाता हूँ व्यू कैसा आता है। एक मिनट जस्ट देखना, एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओ ये रहा, मतलब पुल के ऊपर से खड़े होकर के एक जो व्यू मिलता है परफेक्ट हमें, वो ये मिलता है। ये नदी अभी तो सूखी हुई है लेकिन बरसात में, अब खुद ही सोचो जब ये भर जाती होगी तो पूरा मतलब पहाड़ों के बीच में एक समुंदर बहता हुआ बिल्कुल नज़र आता है यहाँ पे। और ये ऊपर से बरसाती नदी है, पूरी बरसात में ही आने वाली है। प्लस यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है यार। और एक और चीज़ हुई थी यहाँ पे, वो सामने आगे जो है ना, मैं दिखाता हूँ वहाँ पे ये जो गाड़ियाँ कम कम में, यहाँ पे यही ये वो पुल है, मतलब ये यही वो ब्रिज है, नया सा बना था। और प्लस इसमें ये हुआ था कि थोड़ी सी बरसात की आई थी, ये ब्रिज ही बह गया था, एक साइड से टूट गया था। मतलब बनाया तो नहीं है बट नीचे से वॉल लगा करके अभी चलने लायक बना रखा है। प्लस यार व्यू पॉइंट तो बहुत अच्छा है, जिसको आना है वो आ सकता है। प्लस यार मेरे चैनल का नाम ही द पहाड़ी बॉय है, तो मतलब मैं मोस्टली ब्लॉग में बैकग्राउंड म्यूजिक पहाड़ी रखता हूँ। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें ना कॉपीराइट स्ट्राइक, ओ सॉरी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आ जाता है। तो यार बताना कि ये हटाया कैसे जाता है मुझे नहीं पता, मतलब मैंने अभी अभी यूट्यूब स्टार्ट करा तो मुझे ये नहीं पता कि उसमें से कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाया जाता है। चाहूँगा कि हटाने के लिए अगर किसी को पता है तो मुझे बता देना, और आता भी रहेगा मैं डालता रहूँगा क्योंकि चैनल का नाम ही वही है। प्लस मैं तो बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं कहीं भी रहूँ पहाड़ मेरे दिल में ही है, तो इसीलिए मैं डालता हूँ। अब चलते हैं उन्हीं पहाड़ों की तरफ, देखता हूँ आगे बीच बीच में कुछ और शूट हो पाता है। तो यार एक रिक्वेस्टेड है, प्लीज़ डू सपोर्ट, बहुत चल रहा हूँ पैदल पैदल। चलो ठीक है आगे मिलते हैं, ओके टाटा। चलो चलते चलते एक और जगह एक्सप्लोर कर देता हूँ, मतलब अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। हम लोग भटकते हुए पहुँचे थे वहाँ पर, लेकिन जगह बहुत अच्छी है। देखो जब आप थाना रोड से होते हुए आओगे और आगे की तरफ भोगपुर की तरफ, तो नीचे एक पुल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस पुल को पार कर करके आगे ये वाला पुल पड़ता है, नदी के बीच में से आना है और आगे ये वाला पुल पड़ेगा। इस पुल के बाद कहाँ जाना है मैं बताता हूँ, एक मिनट। यार देखो ऐसा पुल दिखेगा और इस पुल से आगे थोड़ा सा यहाँ पे पुल एंड होता है और यहीं पर से इसके लेफ्ट में एक रास्ता जाता है जो कि आप वो देख रहे होंगे, वो रास्ता जाता है। इस रास्ते से अंदर चलते हुए अगर आप लोग 6-7-8 किलोमीटर अंदर जाओगे, बीच में रोड बनी हुई है, आगे रोड कच्ची भी है, तो ऊपर जा कर के ना एक डैम आता है, मतलब झील की तरह बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। आपको वो लोकेशन कोई बताएगा नहीं, और
आपको खुद ही जाना है, मतलब आगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे 7-8 किलोमीटर अंदर जा करके आपको वो डैम मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा है, तो जो जा सकता है चले जाना। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को दिखेगा यहाँ से, वो ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो दो वाइट कलर के टेंपल दिख रहे हैं, ये है नीलकंठ शिव जी का एक नीलकंठ मंदिर है वहाँ पे है, और ये है इथरना, इथरना में है ये इसका रास्ता यहाँ से नहीं जाता है, यहाँ से आगे जब तुम डैम के पास पहुँचोगे तो ऊपर चढ़ाई का पैदल वाला रास्ता भी है, लेकिन वो नहीं है, वहाँ से इधर से घूम करके ऊपर से जाना पड़ेगा तुम्हें इथरना होकर के, वहीं पर है ये टेंपल, तो वहाँ भी जा सकते हो, बहुत ही अच्छी लोकेशन है उसका, मैं आपको फोटोज़ वगैरह डाल दूंगा उसमें, देख लेना लोकेशन कैसी है। चलो आगे चलता हूँ और कुछ और जगह एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। तो यार देखो, गाड़ी के पीछे नाम लिखवाने का एक फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं ऋषिकेश की तरफ जा रहा था तो मुझे कुछ लोग मिले, मतलब 4 लड़के थे, वो लोग अपनी अपनी गाड़ी में जा कर के, मतलब वो भी अपना ब्लॉग शूट कर रहे थे, तो बोला भैया आप ब्लॉग वगैरह बनाते? मैंने कहा हाँ भाई, बोले हम आपको ब्लॉग में ले ले। मैंने कहा ले लो यार, मतलब ठीक है यार, अच्छा लगता है, मतलब आपका साथ के कोई ऐसे मिल जाते हैं तो बढ़िया रहता है, तो आपको भी मिलते हैं, तो यार प्लीज़ डू सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करिए। यही दो थे, यही मतलब यही 4 जने थे जो ब्लॉगिंग करते हुए ऋषिकेश की तरफ जा रहे थे, मेरे को रास्ते में मिल गए थे, तो मैंने भी सोचा कि चलो, मैं वैसे ड्राइविंग करा था, मेरे पे कैमरा स्टैंड वगैरह तो कुछ था नहीं, तो मैंने ऐसे उन लोगों को कैमरा में ले लिया था, एक हाथ से ड्राइविंग करते। तो यार चलो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते जिनके अब एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए एक सवाल है, आँखों में नमी और दिल में गम है, आँखों में नमी और दिल में गम है, क्या आपका भी सिलेबस ज़्यादा और समय कम है? तो यार हो गई, सबका ही होता है यार, पूरा साल निकल जाता है और सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता। चलो यार देखो ठीक है, एग्जाम आ रहे, अच्छे से प्रिपरेशन करो, और पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जिंदगी है यार जियो, खेलो धोनी विराट की तरह। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट।